अस्सलामुअलैकुम, मैं FSC सेकेंड ईयर पार्ट टू की स्टूडेंट हूँ। मैंने ये मेरी मैट्रिक की डिग्री है। गवर्नमेंट की लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डेट शीट थी उसके अकॉर्डिंग पहले टेंथ नाइन्थ और फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने थे, और अगर देखा जाए तो अगस्त में एग्ज़ाम्स होने थे। लेकिन गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उसमें कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे। एक तो पहले ही हमारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद थे कोरोना की वजह से। ऑलमोस्ट हमारे 45 डेज, अगर रेगुलर बेसिस पे हम निकालें एवरेज, तो 45 डेज हमें बुलाया गया है कॉलेजेस, और अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम एग्ज़ाम्स दें इस तरह की सिचुएशन में, वो भी विद इन अ मंथ। हम किस तरह बता दें कि हम प्रिपेयर नहीं हैं, कोई हमें पढ़ाने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होती। मेरी रिक्वेस्ट है रिस्पेक्टेड PM से कि प्लीज़ इस इशू को सीरियसली लें। ये स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है, टॉपर्स परेशान हैं। डिग्री मेरी आपके सामने है, बहुत अच्छे नहीं लेकिन बहुत कोई बुरे मार्क्स भी नहीं है, A+ ग्रेड है। हमारा तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स तब लें जब आप लोगों ने नॉर्मल क्लासेस कंडक्ट करवाई हों जैसे हर साल होती हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद थे लेकिन एग्ज़ाम्स हमारे उसी तरह होंगे जिस तरह हो रहे थे।